तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरत आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ से मसलके आला हजरत और हुजूर ताजु शरिया को मानने वाले उलमाए इकराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे रابطہ करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7878 5744416। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। प्यारे जन्नती खुशअकीदा रजवी भाइयों, वो हजरात इतने खुश नसीब हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में जाते हैं। रजवी नेटवर्क जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पैगाम इमाम अहमद रजा को पहुंचा रहा है, आपसे अपील है कि आप हमारी इमदाद फरमाएं। ज्यादा से ज्यादा हमें अपने जलसों की रिकॉर्डिंग रवाना करें ताकि हम मजीद और भी खिदमत अंजाम दे सकें। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, भला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तू कुफर दे मैं तनहा काम बिस्यार, तू कुफर दे मैं तनहा काम बिस्यार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। रिजा का खात्मा बिल खैर होगा, हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। प्यारे दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, सीडी या डीवीडी या कोरियर के जरिए आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा पता है सज्जाद हुसैन रजवी, सिटी सेंटर शॉप नंबर 5, कीर्ति स्क्वायर, सुभानपुरा रोड, बड़ौदा गुजरात, इंडिया। पिन नंबर 3900023, मोबाइल नंबर 7878 5744166। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नज्द अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 2309-1629। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم। قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين। अकीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज अकीदत हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। पढ़िए बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ल अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम
وعلیہ بارک وسلم صلاتوں وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی نبی الامی والی صلی اللہ تعالی سیدنا مولانا محمد بن علی الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاتوں وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی, آج محرم شریف کی 14ویں رات ہے اور آج کی رات میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا, اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ کے عرس کی تاریخ ہے. ویسے تو پورا محرم شریف شہداء کرام کے ذکر سے محرم شریف کے رات و دن کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے. آپ حضرات ذکر شہداء کربلا اور دیگر عنوانات پر کئی تقریریں سن چکے ہیں. آج مختصر وقت میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ شہزاد اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی پاک سے چند باتیں پیش کروں گا, سبحان اللہ, جس سے ہم کو اور آپ کو عبرت لینی چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں جن کو سرکار اعلی حضرت نے عارف باللہ لکھا ہے. سبحان اللہ. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دو کتابیں مدارس عربیہ میں نصاب میں عالم کورس کے داخل ہیں, پڑھاتے ہیں لوگ. ایک کا نام ہے گلستان, دوسرے کا نام ہے بوستان. تو اپنی کتاب بوستان میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نام بزرگا نہاں. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں نامور ہو جاؤ, تمہارا نام پیدا ہو جائے, تو اپنے بزرگوں کے ناموں کو پوشیدہ نہ کرو, ان کا خوب خوب چرچا کرو, سبحان اللہ, ان کو خوب خوب یاد کرو. اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نام بزرگا نہاں. یہی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں. بہت پہلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ سعدی, جو آج موجودہ زمانے میں بد مذہب پائے جا رہے ہیں, ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ, چے وصفت کند سعدی نا تمام, چے وصفت کند سعدی نا تمام, علیک السلام اے نبی والسلام. یہ سعدی شیرازی آپ کی تعریف کیا کر پائے گا, یا رسول اللہ بس آپ پر صلات و سلام ہو. سبحان اللہ, علیک الصلات اے نبی والسلام, اس کا ترجمہ آپ جب کریں گے تو ہوگا یا نبی سلام علیکا. سبحان اللہ. تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار پر سلام بھیجا اور یا نبی سلام علیکا کہہ کر کے بھیجا. بے شک وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں
कि अगर खाही नामत बुअत दर जहां मकुन नेक नामे बुजुर्गा नेहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नेक नाम दुनिया में हो, अच्छाइयों के साथ तुम दुनिया में नामोर बन जाओ, तो अपने बुजुर्गों का खूब खूब चर्चा करो, उनके नामों को उनके कारनामों को पोशीदा न रखो। आज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार आला हजरत के आप छोटे साहबजादे हैं। आला हजरत के दो साहबजादे थे, बड़े साहबजादे का नाम था हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, उनका लकब था, नाम था हामिद रजा, और आपके विलादत के 18 बरस के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए, तो आपका नाम रखा गया मुस्तफा रजा खां। सरकार आला हजरत के दोनों शहजादे बेमिसाल हैं अपने दौर में। आप हुज्जतुल इस्लाम जिनका नाम था, बड़े शहजादे जो थे बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आप जब बाहर निकलते थे तो अपने चेहरे का अक्सर हिस्सा छुपा लेते थे। लाहौर आप तशरीफ ले गए तो लाहौर के बाजार से सरकार गुजरने लगे हजरत हुज्जतुल इस्लाम, तो आपने जो रूमाल डाल लिया था चादर चेहरे पर, हवा का झोंका आया, सरक गया। एक सौदागर बैठ करके अपनी दुकान पर सौदा बेच रहा था, उसकी निगाह पड़ गई, वो उठकर खड़ा हो गया, सामने आया, उसने कहा महाराज रुक जाइए। पीछे अकीदतमंद भी थे, हजरत ठहर गए, कहा हुजूर आप मुसलमान हैं, मुझे मुसलमान कर लीजिए। आपने वहीं सौदागर को कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। लोगों ने जब पूछा कि सौदागर ये बता तुझको कौन सी खूबी मौलाना के अंदर नजर आ गई जो इतनी जल्दी तो इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, अपने मजहब को छोड़ दिया, तो उसने जवाब दिया कि जनाब सुनो, खूबी पूछ रहे हो, देख नहीं रहे हो कि बरेली से आए हुए मौलाना हामिद रजा का जब ये हुस्न है तो इनके मदीने के मोहम्मद कितने हसीन होंगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी वाकये की तरफ इशारा किया है अपने शेर में, वो हसी क्या जो फितने उठा कर चले, वो हसी क्या जो फितने उठा कर चले, उठाकर चले, हाँ हसी तुम हो फितने मिटाकर चले, मिटाकर चले। वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के साहबजादे हैं। आपसे छोटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं 18 बरस उम्र में। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की शान अल्हम्दुलिल्लाह आपको शबीह गौसे आजम कहा जाता था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब अपने बुजुर्गों का नाम सुनते थे तो आंखें भीग जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का अहाल यह था कि एक मरतबा उर्से महबूबे इलाही के मौका पर दिल्ली में आप तशरीफ ले गए। देखो तकरीर ऐसे होगी, आज मैं उर्स की हैसियत आपको समझा दूंगा, उर्स की शरई हैसियत क्या है, इन जुमलों को याद कर लो, आपको ऐसा महसूस होगा इंशाल्लाह कि मैं सबक पढ़ करके आया हूं। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए दिल्ली में उर्से महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु के मौका पर। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह
وہ سرکار نظام الدین محبوب الہی جن کی شخصیت کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضور بدایوں شریف کا تھا, میرے کھیت کا کاغذ غائب ہو گیا ہے, سرکار وہ کاغذ نہیں ملے گا تو میری زمین ضبط ہو جائے گی, زمیندار ضبط کر لے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا تو حلوائی کی دکان پر چلا جا اور وہاں سے مٹھائی لیا, بابا صاحب کے نام فاتحہ دلا دے, تیرا کاغذ مل جائے گا. سبحان اللہ. وہ بابا صاحب اپنے پیر کے پیر کو کہا کرتے تھے, چنانچہ گیا وہ حلوائی کی دکان پر بیٹھا, مٹھائی لیا, حلوائی نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا, جیسے اس میں مٹھائی رکھنا شروع کیا تب تک یہ چلایا بس کرو رک جاؤ رہنے دو اس کاغذ میں مٹھائی مت رکھو. کہا کیوں؟ کہا وہ کاغذ ہمیں دیجیے, آپ دوسرے کاغذ میں مٹھائی رکھیے. اب جب وہ کاغذ لے رہا ہے تو اس کے وہی کھیت کا کاغذ تھا جس کی شکایت کرنے گیا تھا کہ حضور مل جائے. سبحان اللہ. مٹھائی لے کر کے گیا, مسکراتا ہوا عرض کیا سرکار مجھے کاغذ مل گیا. ذرا سرکار محبوب الہی کی نگاہ دیکھو, اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ جا حلوائی کی دکان پر تیرا کاغذ ہے مانگ لے تو حلوائی تفتیش کرتا کیسا کاغذ ہے, کون ہو, کس نے کہا ہے. سرکار محبوب الہی کا کرم دیکھو, حلوائی کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا کاغذ کہاں ہے, بھیج کس خوبصورت ہیلے سے بھیج رہے ہیں کہ جا مٹھائی لے آ, مٹھائی خریدے گا تو حلوا کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ علم ہے کہ جب یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں لپیٹ کر دے گا مٹھائی. کیا کہنے, تبھی تک تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جا لے آ مٹھائی اور بابا صاحب کے نام فاتحہ دے دے. تو جب سرکار محبوب الہی کو یہ علم ہے کہ کاغذ اس کے کھیت کا حلوائی کے وہاں ہے اور یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں حلوائی لپیٹ کر دے گا, جب سرکار نظام الدین محبوب الہی کا یہ حال ہے تو جنہوں نے دنیا والوں کو دین دیا ہے اس رسول کا حال کیا ہوگا. اب بیل میں غیب پر لوگ بحثیں کریں گے, یہ اللہ کے ولی کا علم ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیے. وہی سرکار محبوب الہی ہیں, ان کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند عرس کے موقع پر تشریف لے گئے, آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب, ان کے وہاں آپ ٹھہرے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, اب اس واقعے کے پیچھے جو آپ کے ذہن و فکر کو میں عرس کی حیثیت سے صاف کر دوں گا انشاءاللہ, اس پر غور فرمائیے. ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا حضور کہاں ہاں, کہا ہمارے وہاں ایک منہ پھٹ کبھی کبھی آیا کرتا ہے مولوی, وہ بیٹھا کرتا ہے ڈسپنسری پر, حضور ہو سکتا ہے آپ آئے ہیں, وہ آ جائے کچھ پوچھے تو سرکار اس کو تسلی بخش جواب دے دیں گے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا, ڈاکٹر صاحب کو وہاں بیٹھا. ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے پیر مرشد ہیں؟ جی ہاں. بریلی سے یہی آئے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا آپ کا نام؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا مجھ کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں. کہا حضرت یہ بتائیے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھ سکتے ہو. کہا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے علوم غیبیہ عطا فرما دیے, علم ما کانا و ما یکون یعنی جو اب تک ہوا اور جو قیامت تک ہوگا, ذرہ ذرہ کا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے, یہ فقیر کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. تو اس نے سوال کیا کہ اچھا حضرت جب سارا علم رب نے عطا کر دیا آپ کی بیوی حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا, کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا,
आपके दरवाजे पर हजरते जाबिर खड़े हुए और जब कुंडी खटखटाने लगे तो सरकार ने क्यों पूछा कौन हो, उन्होंने कहा मैं, तो कहा मैं क्या तुम अपना नाम बताओ, तो गैब की बात जानते तो जाबिर से नाम क्यों पूछते। सहाबा पर दीवार ढकेली जाने वाली थी, अगर गैब का इल्म होता तो बता देते। आपके नालायन शरीफ में कुछ हिस्सा लग गया था जो पाक और साफ नहीं था, अगर आपको इल्म होता तो आप बता देते। आपके जूते को मोजे को चील उठा ले गई, आपको इल्म होता तो बता देते। 14 सवाल इस तरह से उसने किया। चील का वाकया जानते हो, बहुत ये देवबंदी वहां भी चिल्लाते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजे में सांप था, क्या था? सरकार पहनना चाहते थे कि तब तक चील आई और लेकर के उड़ गई और उड़ी वहां से गिराई और जब गिरा तो उसमें से सांप निकला। तो सरकार को गैब का इल्म होता तो सांप को जान जाते कि नहीं? तो हमने कहा पागल, चील को इतना पता है कि रसूलुल्लाह के मोजे में सांप है और रसूल को पता नहीं है। वही जुमला जरा दोहराइए आप। चील इसलिए लेकर के उड़ी कि मेरे आका को सांप तकलीफ ना दे। तो चील को तो गैब का इल्म हो गया कि नबी के मोजे में सांप है, इसलिए उड़ जाऊं मैं लेकर के, छोड़ दूं सांप गिर जाए नबी को तकलीफ ना पहुंचे, और नबी को गैब नहीं इल्म है। ये कैसा तेरा अकीदा है, जरा गौर फरमाइए। तो ये तो एक अलग बात हो गई। 14 सवाल उसने किया जिससे यह साबित करना चाहता था कि सरकार को गैब का इल्म नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए। कहा मौलाना सवाल तो नहीं खत्म हुए हैं, लेकिन इतने सवालों का आप जवाब दीजिए तो फिर बात आगे बढ़े। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अच्छा तुम सिर्फ मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। कहा यही तो आप लोगों की आदत होती है, बजाय सवालों का जवाब देने के उल्टे सवाल कर दिया करते हैं। कहा देखो तुम्हारे 14 सवालों को मैंने सुन लिया है, मैं सिर्फ 3 सवाल कर रहा हूं, उन 3 का तुम जवाब दो, मैं तुम्हारे 14 सवालों का जवाब दे दूंगा, और तुम मेरे सवालों का जवाब ना भी दे पाए तब भी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा, तुम सुन लो खाली। कहा कहिए आपका सवाल क्या है? आपने फरमाया पहला सवाल तो मेरा यह है कि शरीयत का हुक्म उस मौलवी के लिए क्या है जो अपने शहर से कर्जा लेकर के दूसरे शहर में भाग आए और देने की नियत ना रखे, क्या कहने? यह पहला सवाल है। बहुत खूब। और दूसरा सवाल यह है कि उस मौलवी के लिए शरीयत का हुक्म क्या है जिसकी मां बूढ़ी हो चुकी हो, अपाहिज हो, रोड पर भीख मांग करके खा रही हो और उसका जवान बेटा अपने मां की खिदमत ना करे, क्या कहने? और तीसरा सवाल यह है कि उस जवान बाप के लिए शरीयत का हुक्म क्या है जिसका बच्चा मफलूज हो, फालिज शुदा हो, भीख पर गुजारा कर रहा हो और बाप अपने बच्चे की किफालत परवरिश ना करता हो, तब तक उसने कहा हुजूर रहने दीजिए, बस बात समझ में आ गई, वो जवान मैं ही हूं जो कर्जा लेकर आया हूं, क्या कहने? वो मैं ही हूं जिसकी मां भीख मांग रही है, वो मैं ही हूं जिसका बच्चा अपाहिज है। अब निगाह से मामले से पर्दा हट गया, समझ में बात आ गई कि जब बरेली के गुलामे मुस्तफा का ये इल्म है तो मदीने के मुस्तफा का इल्म कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। यह है सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आला हजरत के शाहजादे, आला हजरत के शाहजादे रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। जब जिंदगी तीसरे हिस्से में पहुंची, जवानी के बाद, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद जब बुढ़ापा, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद तावीज़ें बहुत लिखते थे। तावीज लिखकर उजरत नहीं लेते थे। आज जिस तरह तावीज लिखने वालों का तरीका है, झाड़ फूंक, ये लोटा ले आओ, ये सोटा ले आओ, ये उरद ले आओ, ये दाल ले आओ, ये चावल ले आओ, ये गेहूं ले आओ, ये बकरा ले आओ, ये मुर्गा ले आओ, ये ले आओ, कुछ नहीं। आप गए हुजूर मुझे तावीज चाहिए, कलम लिया, कागज पर लिख दिया, दे दिया आपको।
वो तावीज नहीं लिख रहे थे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपनी करामत बांट रहे थे। और जिसको जिस चीज की तावीज दे देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी शिकायत नहीं करता था कि मैं मुफ्ती आजम हिंद से तावीज लिया और मेरा एक काम नहीं हुआ। तो हम लोग इसी बुनियाद पर कहते हैं वो तावीज नहीं दे रहे थे बल्कि अपनी करामत दे रहे थे। किसी ने अर्ज किया, हुजूर औलाद नहीं है, तावीज दे दीजिए। औलाद हो गई, तावीज दे दिया, ये करामत है मुफ्ती आजम हिंद की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जयपुर तशरीफ ले गए। जब आप वहां से चलने लगे और रेलवे स्टेशन पर आए तो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं एक हाजी साहब, हाजी साहब इधर आओ। वो गए, कहा हुजूर क्या है? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने एक तावीज उनको दिया, कहा ये तावीज ले लो, अभी जब हम लोग चले जाएंगे और ट्रेन स्टेशन छोड़ देगी, जुमले पर गौर फरमाइए, और ये ऐसा वैसा जुमला नहीं है कि सुभानी साहब अपनी तरफ से बनाकर कह रहे हो, जो जुमला बोल रहा हूं हवाले की जरूरत पड़ेगी तो किताब में मिनवान यही जुमला दिखा दूंगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि जब ट्रेन छोड़ देगी स्टेशन तो स्टेशन पर एक औरत आएगी जो पीले रंग की चादर ओढ़े रहेगी, जहां टिकट बांटता है टीटी, खिड़की के पास वो खड़ी होगी, तुम उस औरत को ये तावीज दे देना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निगाह मुलाहजा करो, वो हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिनके विसाल की आज तारीख है, जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत आप लोग पेश कर रहे हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जामा मस्जिद कादरिया के तमाम अरकान को, डॉक्टर सोहेल साहब, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, हम सबको शिफा अता फरमाए, हमारे अजीजुल कदर गुलाम मुस्तफा और इनके जुमला साथी हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब, मोहम्मद रफी साहब, और यहां के मौजिन साहब मौलाना रियाज साहब, कि इन लोगों ने सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर इस प्रोग्राम को मुनाकिद कर लिया। देखो नफ्से जलसा सब बराबर है, जलसा सरकार का जिक्र चार आदमी हो तो फजीलत में वही दर्जा रखता है जहां चार लाख हो। वो तो किल्लतों कसरत का मामला अपने अपने लिए है, अफराद ज्यादा आए हैं तो उन्हें ज्यादा सवाब मिलेगा, ज्यादा लोगों को जितने आएंगे, लेकिन नफ्से जलसा की फजीलत सब बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी निस्बत सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तरफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि उस औरत को ये तावीज दे देना। हाजी साहब ने तावीज ले लिया, अकीदतमंदों ने, मुरीदों ने सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को ट्रेन आई, उस पर सवार किया, अलविदाई सलाम किया, ट्रेन चली, स्टेशन से जब बाहर हुई, प्लेटफार्म को छोड़ दिया, तो हाजी साहब कहते हैं कि मैं घूमा तो एक औरत तेज रफ्तार चल करके उसी खिड़की के का पास पहुंच गई जो पीली चादर ओढ़े हुई थी, और वो हम सब लोगों को देखने लगी। कहते हैं कि उस औरत को मैंने देखा, जब मेरी निगाह पड़ी तो उसने बर्जस्ता मुझसे कहा, बाबा बरेली शरीफ के बड़े मौलाना चले गए। मैंने कहा हां चले गए, बताओ मामला क्या है? तो रोने लगी, कहा मेरी किस्मत फट गई, मैंने सुना था कि बरेली के बहुत बड़े मौलाना वो हैं, वो जिसको दुआ कर देते हैं उसका काम हो जाता है, मेरी गोद सूनी थी, मैं तलाश करती हुई आई थी कि मैं उनसे दुआ ले लूंगी, मेरी गोद आबाद हो जाएगी। तब तक हाजी कहते हैं खातून ले, ये बरेली के बड़े मौलाना तुझे तावीज दे करके गए हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निगाह देखो, वो एक सिख की औरत थी। बरेली शरीफ में आज भी उर्स के मौका पर चले जाओ, गरीबों और जायरों को उसकी तरफ से खाना खिलाया जाता है, पूरी और सब्जी तकसीम किया जाता है, इस्लामिया इंटर कॉलेज में उत्तर साइट जाकर के आज भी आप देख सकते हो। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद हैं। बुजुर्गों की बारगाहों में दिल का खराज देखा गया है, दिल की लगन देखी गई है। तो आप अंदाजा लगाओ जब अल्लाह के एक वली का यह हाल है
इसीलिए तो राजी इलाहाबादी ने कहा, बड़े अच्छे अंदाज से कहा, वो रसूल अकरम है ये वली कामे है, वो रसूल अकरम है ये वली कामे है, मुस्तफा मदीने में मुस्तफा बरेली में, मुस्तफा मदीने में मुस्तफा बरेली में, और मेरे मुफ्ती आजम जब नमाज पढ़ते थे, मेरे मुफ्ती आजम जब नमाज पढ़ते थे, दिल झुका था काबे में सर झुका बरेली में, दिल झुका था काबे में सर झुका बरेली में। यह है सरकार मुफ्ती आजम हिंद। मुफ्ती आजम हिंद को कहां कहां देखोगे, बड़ी अजीम जात है सरकार मुफ्ती आजम हिंद की। मुफ्ती आजम हिंद शबीह गौसे आजम कहे जाते थे। मुफ्ती आजम हिंद का हाल यह है, आज भी उलमा से पूछो कि हुजूर वलायत कहां से बंटती है, तो सब कहेंगे कि कादरी दरगाह से। बेशक सरकार गौस पाक के दरे करम से वलायत बंटती है, अल्लाह के हबीब तकसीम फरमाते हैं गौस आजम को मिलता है, और ये जिसको देते हैं वली वो होता है। सरकार गौस पाक के दर से, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौस पाक के दर से वलायत बंट रही है। जब सरकार गौस पाक ने ऐलान फरमाया था, महबूबियत का जोश आप पर गालिब आया था, आपने ऐलान फरमाया था कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह, जरा गर्दन मुलाहजा फरमाइए। सरकार फरमाते हैं कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। सर क्यों नहीं फरमाया कि सर पर है, गर्दन क्यों कहा? ये सवाल जहन में आ सकता है कि नहीं? सुनो प्यारे, इसमें राज है। गर्दन और सर में फर्क होता है। कोई किसी को जब मारता है जमीन पर लेटा करके, तो उसके सर पर थोड़ी गर्दन रखता है, उसके गले पर उसके गर्दन पर पांव रखता है, उसके गर्दन पर पांव रखता है और बताता है कि अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं। गोया सरकार गौसे आजम इशारा फरमा रहे हैं कि जितने अल्लाह के वली हैं सबकी गर्दन पर मेरा कदम है, मुझसे कोई इंकार नहीं कर सकता है, और जो मुझसे फिरेगा उसकी वलायत चली जाएगी। सच है, बहुत क्या कहने। सरकार गौसे आजम के लिए इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम के करामत पे लाखों सलाम। जहां जहां जो वली थे सबों ने सर झुका दिया, जो पैदा हो गए थे पहले वो पहले झुका करके गए थे दुनिया से, जो पैदा होने वाले थे आलमे अरवाह में उन्होंने भी एतराफ कर लिया, और जब दुनिया में आए तो इकरार किया और कह दिया कि हुजूर आपका सर कदमे पाक हमारी आंखों पर है, हमारे सर पर है, हमारे दिल पर है। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं ये सर, ये आंखें, ये जिगर, ये दिल है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये शेर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की वलायत पर दलालत कर रहा है। सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो गौस हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को शबीह गौस आजम कहा जाता था। बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे।
तारीफ की किताबों में सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पाक का नक्शा जिस तरह से बयान किया गया है, हूबहू सरकार मुफ्ती आजम हिंद का चेहरे पाक उसी नक्शे पर उतर रहा था, इसीलिए आपको शबीहे गौसे आजम कहा जाता है। एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद फरमा रहे थे, तमाम लोग मुरीद होने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ एक हाजी साहब थे। लोगों ने कहा हाजी जी कहाँ हैं? कहा तुम भी मुरीद हो जाओ। कह रहे यार बाद में देखा जाएगा। आज कुछ लोग होते हैं ना इस तरह, चलो चलो यार बहुत पीर मिल जाएंगे। कहा पागल आदमी है, ऐसे पीर कहाँ मिलेंगे, जिंदगी गनीमत समाज, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बैठ हो जा। ले गए लोग, बैठे सब, उसको भी बैठाया बेचारे को, हाजी जी को। चादर फैलाई गई, भीड़ ज्यादा थी, लोग चादर को अपने हाथ में रखकर के ऊपर से अपने हाथ को रखे हुए हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलमा शरीफ पढ़ाया, गुनाहों से तौबा करवाया, वादा करो झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जना के करीब नहीं जाएंगे, शराब के करीब नहीं जाएंगे, बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर के आपने उन गुनाहों से तौबा ली, अहदो पामान लिया कि ये काम न करना। सबों ने कहा अब जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुरीद फरमाने लगे और इरशाद फरमाया कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पर दिया, हाजी साहब ने हाथ को छोड़ लिया चादर से और अपने दिल में सोचने लगे कि अभी तो मौलाना साहब ने कहा हजरत ने कि झूठ ना बोलना, और कहते हैं कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो हम लोग तो इनके हाथ में अपना हाथ दिए हैं और ये बड़े पीर साहब का नाम ले रहे हैं। हाजी ने अपने दिल में इस बात को सोचा, कहां सोचा, और चादर से हाथ को हटा लिया। तब तक सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने चादर को अपनी तरफ खींचते हुए हाजी के सर पर डाल दिया। अब हाजी देख रहे हैं कि सरकार गौसे आजम का दरबार सजा है और सारे मुरीद वालों होने वालों का हाथ गौसे आजम बड़े पीर के हाथ पर है। उसके बाद खींच लिया चादर को तो हाजी जी की कैफियत ऐसे थी जैसे दीवाना हो गए, गशी तारी हो गई। जब सुकून मिला तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराते हुए फरमाते हैं अब दिल को इत्मीनान हो गया। कहा सरकार अब जिंदगी भर अपने कदमों में रख लीजिए, सरकार गुलामी में रहूंगा, अब ना जाने दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया नहीं, जाओ अपने बच्चों में, वो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को कहां कहां देखोगे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद बेमिसाल मुफ्ती आजम हिंद थे, आला हजरत के शहजादे हैं। एक तरफ मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, मुदर्रिस हैं, खतीब हैं, तमाम उलूम के जामे हैं, और दूसरी जानिब जब रूहानियत का माहौल देखिए तो वली कामिल हैं। वलायत बड़ा अजीम दर्जा है प्यारे, वली अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिसको वलायत दे दे। ये गंदौरे लोग जो दावा करते हैं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन हम बाबा हैं, हम दावा हैं, फलाने हैं।